गाइस, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी। और यहाँ पे हो गया है अभी इवनिंग का, नहीं मतलब कितना टाइम हो गया, और 7:20 हो गया है टाइम। और जो मैं बता दूँ, अभी जो मौसम है ना, बहुत गंदा ही चल रहा है मौसम, मतलब तबीयत खराब होने वाला बहुत ज्यादा चल रहा है। तो आज मेरा जो है मॉर्निंग से आई और सिर में बहुत ज़्यादा पेन है। और मैं रीज़न बता दूं, सिर और आईज में पेन होने का जो रीज़न होता है हमारा, क्योंकि मैं थोड़ी सी भी टेंशन ले लेती हूँ या रो लेती हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है हमारे साथ। बट क्या करें, कभी खुशी कभी गम है ना। छोरे ऐसे मुंडी करके कर रहा है। हाँ, पढ़ने में मन नहीं लगता, बस बदमाशी जितना करवा लो। और एक बहुत बड़ी खुशखबरी है आप लोग के लिए। आप लोग को बता दूं गाइज, मैं जो जहां पे जॉब कर रही थी वो जॉब ओ जॉब मैं छोड़ दी। अरे अरे तो है ना, बहुत बड़ी खुशखबरी। नहीं क्यों जॉब छोड़ दी? अब क्या खाएगी सौम्या? क्या खाएगी? अब सौम्या क्या खाएगी? सौदे क्या खाएगा? मम्मा तो जॉब छोड़ दी। अब मैं तो भूखे रहूंगी। तुम कैसे भूखे रहोगे? एक दिन फास्ट करेगा, बाकी दिन मम्मा जब तक जिंदा रहेगी जब तक भूखे थोड़े ना रखेगी तुम लोग को, है ना। चल पढ़, इसलिए बोलते हैं बेटा पढ़ो अच्छे से। अच्छे से पढ़ाई करेगा ना, जब ही ना कुछ अच्छा आदमी बनेगा। तो जॉब छोड़ने का रीजन हो गया गाइज कि मैं बता दूं आप लोग को, पहले तो हमें जो था ऑफिस में ओनली कॉलिंग के लिए रखा गया था। जब हमारा इंटरव्यू हुआ था तो कॉलिंग के लिए रखा गया था रियल इस्टेट में, कि जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका डिटेल्स मुझे कस्टमर को देना होगा, या जो भी ऑनर हैं उनसे हमें सेल या रेंट का मुझे कॉलिंग पे निकालना है। तो वो मैं काम कर रही थी, बट वही होता है ना, धीरे धीरे फिर कुछ और। तो मुझे अनकंफर्टेबल फील हुआ, क्योंकि उसके बाद जो था वो जो सीनियर थे जिनके ऑफिस में मैं जॉब कर रही थी, उन्होंने बोला कि आप केनोपी पे खड़े होगे। तो मैं एक दिन खड़े हुई, दो दिन खड़े हुई, मुझे अंदर से मतलब बहुत अजीब सा फील हो रहा था। खुद ब खुद मुझे लग रहा था कि मैं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, बहुत ज़्यादा ही अनकंफर्टेबल फील हो रहा था। तो और मतलब अजीब लगता है, कितना भी हूँ यार लेडीज हूँ ठीक है, मतलब अच्छा नहीं लग रहा था जो है, मतलब मेरा जो अंदर का फीलिंग है वो मुझे बड़ा गंदा लग रहा था। फिर मैं बोल दी वहाँ पे, तो वो बोले कि सैलरी दूंगा, तो फिर तो मैं जो बोलूँगा करना पड़ेगा। तो भैया सैलरी के वजह से थोड़े ना कुछ भी कोई कर लेगा, है ना। तो मैं अभी ट्राई नहीं कर रही हूँ। क्यों नहीं ट्राई कर रही हूँ? कोई हमारा पर्सनल रीजन है जिसके वजह से ट्राई नहीं कर रही हूँ जॉब? ऐसी नहीं है कि जॉब मिल जाएगी, जितना तक की जॉब में 15-16 हज़ार की जॉब बहुत इजीली मिल जाती है, 20 हज़ार तक तो बहुत इजीली मिल जाती है जॉब यहाँ पे। बट मैं अभी ट्राई नहीं कर रही हूँ, अब मैं सोच रही हूँ दीपावली के बाद ट्राई करूँ जॉब। और बिना जॉब का तो खैर पता है, घर का खर्च नहीं रुकता है, स्कूल का फीस नहीं रुकेगा, रेंट नहीं रुकेगा, हर चीज़ मुझे करना है। तो जॉब तो करनी ही पड़ेगी, बिना जॉब की तो कोई बात ही नहीं है। तो यही सब थोड़ा सा टेंशन ले लेती हूँ, सोचने लगती हूँ बातें, तो जो है मेरे आईज और सिर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है। मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ये सब चीज़ों से बहुत दूर रहूँ, बहुत ज़्यादा दूर, लेकिन अकेला इंसान जब पड़ता है ना तो निगेटिव चीज़ बहुत ज़्यादा ही माइंड में आती है। तो इस वजह से, और देखती हूँ अब दीपावली के बाद ही ट्राई करूँगी। एक जगह मेरा आया भी था अभी ज्वाइनिंग के लिए,
बट मैं अभी ज्वाइन करने का मूड में नहीं हूँ, क्योंकि अभी तबीयत भी थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, कभी ठीक कभी खराब, कभी ठीक कभी खराब। तो जो होगा अब दीपावली के बाद देखा जाएगा, बट हाँ ये है कि थोड़ा सा बजट गड़बड़ा जाएगा, है ना। अब एक मंथली इनकम होता है तो टेंशन नहीं होता है कि कहाँ से करूँगी क्या करूँगी, क्योंकि हमें आगे का होता है कि इस मंथ का खर्च हो गया तो आगे नेक्स्ट सैलरी हमारी आएगी। बट अभी तो थोड़ा सा दिक्कत लग रहा है, बीच में इतना त्योहार वगैरह, फिर अब दीपावली आ रहा है, थोड़ी सी दिक्कत है। बट कोई नहीं, जो इतना बड़ा दिक्कत झेल लिया उसके लिए सब दिक्कत छोटा लगता है ना। सारे कष्ट इतनी सुलगती है। तो यही खुशखबरी देना था आप लोग को। सौम्या भी बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, क्या खुशखबरी सुनना है, मुझे भी सुनना है। फिर सुन के मुंह लटका के उधर बैठ गई। तो ही खुशखबरी तो है। गंदा बात गंदा बात क्यों है, बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा क्यों खुशखबरी नहीं है सो बताओ। एक खुशखबरी इसलिए नहीं है, एक हाँ? अंकल की गलती है जो जॉब वाले हैं। कौन अंकल वाले? अंकल की गलती है जॉब वाले हैं। मम्मा को बाहर भी खड़ा करते हो। मम्मा को बाहर इसलिए खड़े कर रहे थे कि मम्मा उनको पता है कि मम्मा को कोई सपोर्ट में है नहीं, तो इसलिए खड़े करते हैं। और इंडियन चलो पढ़ाई करो, पढ़ाई करो, मम्मा जब तक जिंदा है बहुत काम कर लेगी। नहीं जॉब लगेगा तो किसी के घर में जाके झाड़ू पोछा कर लेगी, खाना बना लेगी, बहुत ऑप्शन है। नहीं तो चलिए गाइस, बस यही बोलना था। तो मैं घर में अभी लेटे लेटे बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, और ब्लॉगिंग भी करने का इच्छा नहीं करता है यार। 5-6 महीना हो गया, एक पेमेंट का तरस खा गई, पता नहीं किसी को बोलने भी नहीं आएगा, उनका वीडियो वायरल हो जाता, गुस्सा आता है मुझे बहुत तेज। किसी को हिंदी ठीक से नहीं बोल आ रहा, हमर ई कहले हमर ऊ धैले, उसका वीडियो पे व्यू मिलियन में जाएगा यार। हम इतना मेहनत कर करके सच में परेशान हो गए हैं, पता नहीं आप लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते हो। आप लोग से भी मुझे लड़ना है, बट मैं बाद में लड़ूंगी, अभी बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कुछ भी बुला जाएगा, है ना। तो मैं कोशिश करती हूँ टेंशन में बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने का अपने आप पे। तो मिलूंगी नेक्स्ट ब्लॉग में, जाती हूँ कुछ खाना बनाती हूँ, सब्जी बना हुआ है, रोटी सेकती हूँ, और फाइनली बाय बाय गाइस, टेक केयर।